वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। क्वेश्चन नंबर वन है, निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। अगर भराव क्षमता के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन जो इसका पर्पज क्या है? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, वराहमिहिर के अनुसार जब राजस्थान में खेर व शमी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष क्या होता है? वृक्षों की वृद्धि होती है। देखिए एक बार वापस इसको समझते हैं कि वराहमिहिर के अकॉर्डिंग क्या है कि जब राजस्थान में खेर और शमी जो वृक्ष हैं, खेर और श्री शमी नामक जो वृक्ष हैं, इनके फूलों में असामान्य वृद्धि जब होती है तो क्या होता है? वृक्षों में वृद्धि होती है उस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? 1990 में किया गया था सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, निम्न में से माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम, यह सिंपल है, सबको पता है, गोडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, हाँ, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और महाराजा कॉलेज भी रहा जयपुर में है, महाराजा, महारानी, राजस्थान कॉमर्स और ये सभी जयपुर में है। और ये महारानी जो कॉलेज है राजस्थान यूनिवर्सिटी की संगठन कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम क्या है? किशनगढ़। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से फेमस शहर का नाम है किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा नाम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सुरसुरा जो है तेजाजी का धाम कहाँ पर है? अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? कांकरौली में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? कोटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, भाकर बाबूजी निम्न में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? सहरिया जाति के। जो सहरिया जनजाति के, जाति नहीं है, सहरिया तो जनजाति है, तो भाकर बाबूजी जो हैं सहरिया जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है कहाँ पर? जालोर दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, किस शैली का जन्म जयपुर व मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है? अलवर शैली का। अलवर जो शैली है इसका जन्म हुआ है जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से, मिक्सर से। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, दाबू प्रिंट कहाँ की मशहूर है? अकोला की। दाबू जो प्रिंट है अकोला की मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है किसे? महारावल जवाहर सिंह को। आधुनिक जैसलमेर का जो निर्माता कहा जाता है किन्हें कहा जाता है? महारावल जवाहर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, गुहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की जो विस्तृत वंशावली है उनकी उपलब्धियों का वर्णन है किसमें? कीर्ति स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन, चित्तौड़ में राशमी प्रगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान से जाट आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 22 जून 1908 में हुई थी ये राशमी प्रगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान से जाट आंदोलन की शुरुआत, स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हील से क्या अभिप्राय, मतलब व्हील का मतलब क्या है? अभिप्राय मतलब होता है व्हील, मतलब क्या है, तो व्हील से मतलब क्या है, व्हील का मतलब क्या है? तो मिट्टी की महलनुमा जो आकृति होती है उसे कहा जाता है व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान जो है लिटरेचर एकेडमी है इसका हेडक्वार्टर उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, देखिए वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। कौन? श्री गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव,
निम्न में से आबियाना क्या है? आबियाना क्या है इनमें से? तो पानी पर जो टैक्स होता था ये आबियाना कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। निम्न में से दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। केफरी सिंह भारत की मृत्यु कब हुई? इनका निधन कब हुआ था? 14 अप्रैल 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। महात्मा गांधी हत्या के संदेह में नज़रबंद किए जाने वाले अलवर के दीवान कौन थे? डॉक्टर बी एन खर्रे। महात्मा गांधी हत्या के संदेह में नज़रबंद किए जाने वाले अलवर के दीवान कौन थे? डॉक्टर बी एन खर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। निम्न में से तलवार बधाई क्या होती है, क्या थी? उत्तराधिकारी जो शुल्क था यह तलवार बधाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। राज्य पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से सिफारिश, मतलब अभिशंसा होती है सिफारिश, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से राजस्थान को कौन सा क्षेत्र मिला? अजमेर, आबू और सुनील टप्पा। ये सुनील टप्पा जो था ना ये मध्य प्रदेश का था, एमपी का, तो राजस्थान में मिला दिया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित फटार को किस नाम से जाना जाता है? भोराट का फटार। देखिए राजसमंद, कुंभलगढ़ तो कहाँ पर है? राजसमंद में, ठीक है, और गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में। इन दोनों के बीच में एक फटार है, इसको क्या नाम से, किस नाम से जाना जाता है, क्या नाम दिया गया है? भोराट का फटार। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। राजस्थान के जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच भूभाग को क्या कहा जाता है? मेवल। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का जो भूभाग है उसको क्या कहा जाता है? मेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। राजस्थान राज्य का घिया पत्थर के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है घिया पत्थर के जो है उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। देश में एस्बेस्टोस का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है? खेतड़ी, खोदरीवा और सिंगाना। खेतड़ी, खोदरीवा और सिंगाना, जो इन क्षेत्रों में तांबे की खान है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माता में जो है किस खनिज का उपयोग, निर्माण में, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में के निर्माण में किस खनिज का यूज किया जाता है, किस खनिज को उपयोग में लाया जाता है? जिप्सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। निम्न में से राजस्थान में पाली का नाना खराब क्षेत्र प्रसिद्ध है? टंगस्टन। राजस्थान में पाली का नाना खराब एरिया टंगस्टन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। सिरोही का बालदा क्षेत्र फेमस है टंगस्टन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। निम्न में से राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है? झुंझुनू को। राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है? झुंझुनू को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो ये हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन? कोटा के महाराव भीम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, लिमिटेड है, इसके द्वारा संचालित जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान कौन सी है? बिसरासर खान जो है इनके, इसके द्वारा RSMD ये कौन सा लिमिटेड डिपार्टमेंट है? ये राजस्थान राज्य खनिज विकास माइंस डेवलपमेंट जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये, और जिप्सम के उत्पादन की इसके द्वारा संचालित सबसे बड़ी जो खान है ये कौन सी है? बिसरासर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। निम्न में से घिया पत्थर का उपयोग किया जाता है? टलकम पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाइयों में और साबुन, इन तीनों ही चीज़ों में काम में लिया जाता है घिया पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है? अजायब घर, म्यूजियम ऑफ माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। राजस्थान में टंगस्टन की खाने कहाँ पर है? तो ये नागौर के डेगाना में है टंगस्टन की खाने, और ये वर्ल्ड फेमस खान है, इंडिया की तो है ही लेकिन वर्ल्ड फेमस जो है टंगस्टन की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। देखिए बृहत्तर राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? महाराजा मानसिंह जो थे बृहत्तर राजस्थान के राज प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। निम्न में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन 9।
अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी में रखा गया? सी श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर बृहत राजस्थान का निर्माण किया गया? चार राज्यों को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मगरा। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ियाँ स्थित है उन्हें जो है उन पहाड़ियों की स्थानीय लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? मगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इसी रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, वो भारत पाक जो है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है ये सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, मध्य प्रदेश को टच नहीं करती? राजस्थान के कौन से जिले की सीमा है जो एमपी को टच नहीं करती? ये सिरोही जिले की सीमा है जो एमपी को टच नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक पाक सीमा के नज़दीक है? तो ये श्रीगंगानगर का जो है मुख्यालय है ये पाक सीमा के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, सबसे ज़्यादा पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं किसी देश अथवा राज्य से की सीमा से नहीं लगती? 8 जिलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। राजस्थान के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें एक भी उप तहसील नहीं है? पाली। पाली में जो है एक भी उप तहसील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान राज्य में कितने जिले थे? 25 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित किया करने का वर्ष कौन सा है? कब किया गया था इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित? 1981 में, 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था कब? 1981 में। दोनों को ही 1981 में किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 56 के मैदान राजस्थान की किस नदी बेसिन में स्थित है? माही नदी बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। वागड़ प्रदेश कहलाता है बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। राजस्थान की कोबड़ पट्टी कहाँ है? नागौर अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। बोराड का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। मोती झील बांध राज्य के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में। धामण करड़ और अंजनी क्या है? राजस्थान में घास की किस्में है, ये घास की वेराइटीज हैं। धामण घास हो गई, सेवन घास है, करड़ घास है, अंजन घास, ये सभी क्या है? घास की वेराइटीज है। और इनमें से ज़्यादातर जो है अपने वेफ्ट वाले एरिया में ज़्यादा होती है, पश्चिमी एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाद्यान्न नीली क्रांति का संबंध है? तो मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से नीली क्रांति रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। महाभारत काल में कुरु जांगला के नाम से फेमस एरिया कौन सा था? बीकानेर। महाभारत काल में कुरु जांगला के नाम से बीकानेर को जाना जाता था, ये फेमस था कुरु जांगला के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। देखिए ताल छापर अभ्यारण कहाँ पर है? ये चूरू में है, ये पहले बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? जावर में है। और जावर कहाँ पर है? उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने व चार दीवारी बनाने का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो गोसुंडी शिलालेख में इसका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। नगरी का शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है? अजमेर संग्रहालय में। नगरी का शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है? अजमेर संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी का अंग है? अलवर। राजस्थान का कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी का अंग है? अलवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। देखिए हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये धौलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। मवेशी की खरीद के रुपए देते समय निश्चित किए हुए मूल्य में की जाने वाली छूट क्या कहलाती है? धारीजनी।
पशु पशु जो है पशु जानवरों की जब हम खरीद करते हैं खरीदते हैं तो रुपए देते समय निश्चित किए जो पहले ही फिक्स कर लिए जाते हैं रुपए रुपए दिए जाते समय जो छूट उस टाइम पर जो डिस्काउंट दिया जाता है क्या कहलाता है? दारिजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय पद सचिव की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? चतुर्थ विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था जग निवास महल का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इसके बारे में देखो क्या है कि जग निवास महल महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने सन 1746 ईस्वी में बनवाया। इसमें वर्तमान में यहाँ लेक पैलेस होटल संचालित है। कौन सी होटल पैलेस संचालित है यहाँ पर लेक पैलेस होटल संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, डीक के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बदन सिंह ने करवाया था। कौन से किले का निर्माण? डीक के किले का निर्माण।